नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। जाहिर सी बात है, सियासत में हर मुलाकात के कुछ ना कुछ मायने होते हैं और इसीलिए ये मुलाकात और भी ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि खुद वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष के नेता से उनकी मुलाकात हुई है, तो चर्चा तो होगी। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस मुलाकात में क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई। तो आपको बता दें कि नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री एक साथ बैठते हैं और उसके बाद ही ये नाम तय किया जाता है। नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर आगे चर्चा की जाती है और इसी नियुक्ति प्रक्रिया के मद्देनज़र सचिवालय में इन दोनों की मुलाकात हुई और घंटों तक बातचीत के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की गई। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि 9वीं अनुसूची को लेकर भी हमने मुख्यमंत्री से बातचीत की है। इस मुलाकात में और क्या क्या चर्चा हुई है, आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को एक दूसरे से मुलाकात की है। दोनों के बीच ये मुलाकात पटना स्थित सचिवालय में लगभग आधे घंटे तक चली। कहा जा रहा है कि इस बैठक में बिहार में सूचना आयुक्त की नियुक्तियों को लेकर चर्चा की गई है। प्रतिपक्ष की इसमें बहुत अहम भूमिका होती है और इसीलिए मुख्यमंत्री के साथ मिलकर ये बैठक रखी गई। आपको बता दें कि दोनों नेता मिलकर ही इसके लिए नाम तय करते हैं। दरअसल प्रदेश में सूचना आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल विधानसभा के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य करते हैं। मुख्यमंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं और उसी समिति में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा और मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, जहाँ एक नाम को चुना जाता है। नीतीश कुमार संग इस मुलाकात को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जानकारी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 9वीं अनुसूची के मुद्दे पर भी सीएम से बात हुई है और इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है। इस पर हमने भी कहा है कि हम भी कोर्ट पहुंच गए हैं, आप अपनी बात को कोर्ट में रखिए, हम भी अच्छे से अपनी बात रखेंगे। यानी कि कुल मिलाकर इस मुलाकात के मायने आप समझ गए होंगे, इस मुलाकात का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये मुलाकात क्यों जरूरी थी, क्यों अहम थी और नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर प्रतिपक्ष का होना वहां पर अनिवार्य होता है और इसीलिए सचिवालय में लगभग आधे घंटे तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ बंद कमरे में ये बैठक हुई है। आपको बता दें कि बिहार में नौकरी देने को लेकर अलग अलग दलों की तरफ से होड़ मची रहती है। जब राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, उस दौरान तेजस्वी यादव ने बहुत सारे क्रेडिट लेने की बात कही और ये भी कहा कि भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हों कि हमने अपनी कलम से नौकरी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नौकरियाँ हमारी तरफ से दी गई है। और इधर जेडीयू के नेताओं की तरफ से जब प्रतिक्रियाएँ सामने आती थी तो वो ये कहते थे कि नेता पक्ष तेजस्वी यादव हर वक्त सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने में जुटे रहते हैं। तो कुल मिलाकर बिहार में नौकरियों की बहार है, ऐसा नीतीश सरकार के राज में कहा जाता है। देखने वाली बात होगी कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जब नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री की बातचीत एक बंद कमरे में हुई है तो इस मुलाकात से बिहार वासियों को कितना फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया, इस वीडियो के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा।